खाने के अलावा भी कोई काम है आपको? है, खाना। पहले सुबह उठो, इनके लिए शेक बनाओ, फिर इनको नाश्ते की भूख लग जाती है। नाश्ते के फौरन जैसे नाश्ता मैंने उठाया है ना, चाय जी रेडी हो और चाय सामने पड़ी हो। हमने तो भाई खाना आज खाया ही नहीं है इतना। क्या वो? जब से कल आपने कहा खाना नहीं खाना, आज तो हमने इतना खाना खाया नहीं है। आज तो हाँ मैंने बस कर, आधी जब बस कर, आधी कड़ी के साथ रोटी, रोटी खाई है, दो रोटियां आज खाई है। आधी रोटी खाई है मैंने आधी रोटी खाई है? जी, झूठा, इब्राहिम इसने आधी रोटी खाई है? आधी नहीं खाई इसने, तीन चार खाई है। तीन चार खाई है ना? अस्तगफरुल्लाह, पूरी रोटियां ये तीन चार लेकर आया था। तीन बस चार? बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए, इतना सीरियस होके कहना कि मैंने आधी रोटी खाई, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, है ना? बस यही चाहिए। हाँ जी, और नहीं, इसके सिया से लगता है कि आधी रोटी खाता है। इतनी वाम पता नहीं पक्का मुंह कैसे बना लेती है। मैं आपको, मैं आज ना एक रियलिटी बताऊं। हाँ जी बताओ। आप किसी को ना सेहत से देख के जज ना किया करो कि इतना खाता है। हाँ ये वैसे ऐसे ये जज बात नहीं है कर सकते गाइस, आप। बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी है, ऐसा भी मैंने देखा है, है। इतना वो खाता है तो वो मोटा है ना। नहीं नहीं वो तो फिट भी जरूरी नहीं है, वो तो फिट भी होता जरूरी नहीं है। जैसे किसी को हवा भी लगती है, पानी भी, दूध लगता है, ये वैसे रियलिटी है। ओ भाई इतने जो सूखे होते हैं, खाना खा के स्मार्ट होती है? नहीं, छोड़ के स्मार्ट होती है। रोजाना जो सूखे होते हैं ना, रोजाना भी फास्ट फूड खाते हैं पर उनको खाना नहीं लगता। हाँ ये भी है, वो स्मार्ट होते हैं। ये डे सुखे सुखे ने नाश्ते दूध उतरा तरह पराठे खाते हैं। हाँ नहीं खा, नहीं खा, उनको बिल्कुल भी नहीं खाना लगता। हाँ उनको लगता ही नहीं है। और हम नाश्ता करते क्या, हम जस्ट शेक पीते हैं, कुछ खाया नहीं हमने। और आप ऐसे इंतजाम लगा रहे हो, कुछ खाया होना था, रोटी खाती हूँ ना, लकड़ी ना, तौबा अस्तगफार, ये अभी सबूत पड़ा हुआ जाए। आधी रोटी खाई, आधी रोटी। हम्म, ये इसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब आप जो ये खाएगा ना थोड़ी देर बाद वो सब खाना होगा। सही वाला। थोड़ी देर में क्या खाना, जैसे जैसे फिल्म से पहले कोई ट्रेलर आता है ना। हाँ जी, तो वो समझो ये ट्रेलर था। और सबसे मजे की बात बताऊँ आपको, मूवी अभी आनी है। सबसे मजे की बात बताऊँ, सबसे ज्यादा हमारे घर में ये बंदा खाता है और लगता है नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा बिल्कुल कमजोर बेचारा मेरा पुत, ऐसे लगता है कुछ खाता ही नहीं है ये। सबसे ज्यादा ये खाता है, देख के अंदाजा हो सकता है कि मैं इतना खाता हूँ। हाँ साफ लग रहा है, कमजोर तो नहीं है ये, फेस से लग रहा है ये कमजोर तो नहीं है। नहीं कमजोर, मैं आपको बहुत हेल्दी रखता हूँ इसकी तरह। नहीं कमजोर तो नहीं है ये, फेस मेरा इतना वीक हो चुका है, अंदरूनी भी मैं वीक हो चुका है। इसका फेस वीक नहीं हुआ, इसके जो इतने बड़े घोंसले वाले बाल हो गए हैं ना, इससे इसका फेस छोटा लगता है, नहीं तो इसका फेस उतना ही है मोटा मोटा। नहीं नहीं फेस सही है, बालों की वजह से ऐसे लगता है। फेस सही है, बड़े बड़े बाल लगते हैं लेकिन उनका फेस स्लिम लगता है। उनके बाल गिर जाते हैं नीचे की तरफ, इसके बाल तो ऊपर ना ऐसे खड़े होते 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 इतना बड़ा बन जाता है। ये ऐसे ऐसे खड़े होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। एक दिन बकर ज्यादा हो रहा है, बकर ज्यादा हो रहा है, बकर ज्यादा हो रहा है। एक दिन प्लेनेट फट जाएगा इब्राहिम, ये कुछ आ रहा है। हाँ जी जरा आई, जरा आई, उठ 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 इब्राहिम, उठ जाएगी, ये चार है, इसको नीड हो रही है। एक दिन इसका प्लेनेट फट जाएगा। हाँ जी लाजमी लाजमी, ठीक है ठीक है, होने वाला है इसके साथ। टाइम नहीं होता फोन से, इसको उठने का टाइम नहीं है। उठी जरा, सिर्फ धनिया ले आ दे, फिर आगे लेट जाए। चल मेरा बच्चा उठ जा, उठ जा मेरा शहजादा। इब्राहिम आप उठ जाओ यार, धनिया ला दो। चल झूठा झूठा, मैंने बनाना है गाइस, इसके लिए मैं कढ़ाई बना रही हूँ शाम के लिए। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, बिठा दो, जहाँ बिठाना बिठाओ गाइस। इसका मुझे लगता है सारा है इसका, देखते हैं कौन है। कौन है गाइस? अम्मा आई है हमारी, उनको मैं कपड़े दे दूँ। अम्मा इन्हें जो कपड़े काट लवाए हाथ तले ते मशीन आले अलग। हाँ देख गिनो गाइस, अम्मा को दे आई हूँ कपड़े। ये दोनों वैसे के वैसे वहीं पे बैठे हुए, मोटर चलाने लगी हूँ मैं, कि अब तक क्या है इनको मसला। चल चला जा, अब मिनते करवाता रहता है, बकर दफा हो जा। अच्छा गाइस ये मैं आपको एक चीज दिखाऊँ, बहुत फेवरेट है मेरी खजूर। कौन कौन खाता है ये? मैं तो खैर खाती हूँ। ये देखिएगा, इसका मोबाइल अभी भी लगा हुआ है अपने ये, काम पे। ये जो जो पबजी खेलते हैं उनके लिए मैं बत्तरी खाता हूँ चीज। अच्छा हाँ ये लो मोबाइल चली गया ना। ये मेरा फिटर बाबा जो है कहना कितना प्यारा है, माशाल्लाह अल्लाह ना दरबार से बचाए। किधर जा रहे हो तू, किधर चला?
कसम ना रोशनी इतनी है कि तेरी शक्ल ही नजर नहीं आ रही काले वैसे ये है बहुत काला मैं फिल्टर लगाती फिल्टर लगाती फिर जाके ये सही नजर आता है कहाँ जा रहे हो बताते तो जाओ इस टाइम अब कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है बोल भी सही कहाँ जा रहा है ऐसी चीजें बताई नहीं जाती नजर लग रही थी क्या भाई ठंडी ठंडी मारी जा रही है बताना बताना ठंडी तो नहीं मारी क्या कहा है आपने अभी मैंने आपको कहा है कि ये हमारे बहुत बड़े हीरो हैं आजकल के मतलब कि इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा ये जो ये दरमियान में खड़े अर्शद ये नजर आ रहे थे भाई वो आप उधर देखना जरा मोबाइल दिखाए ना आप ये देखें ये देखें मोबाइल ऊपर करो ये भाई अच्छा इस भाई के साथ क्या करना इस भाई के साथ वीडियो बनाओ आप वायरल हो जाएंगे आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी वैसे भी वायरल है भाई नहीं ऐसे आपकी वायरल नहीं होगी ओ भाई कितना लव है जी इब्राहिम वो भाई तो ढूंढ के ले आ बड़ा सारा भाई है ना नहीं नहीं ये बहुत हीरो है माशाल्लाह से इब्राहिम आ जा बाहर चलते हैं बाहर का वेदर देखते हैं कैसा है आ जा अल्लाह हाफिज़ क्या आ जा आ जा नहीं नहीं आ जाओ नहीं मैं नहीं बैठे हुए मेरे साथ मेरे साथ बहुत अच्छा वेदर है बकर सच्ची आ जाओ वहाँ पे ना देखो चलो छुट्टी की वजह एक और काम इब्राहिम ने गलत कर दिया मैंने इससे ना ये सीनरी लगवानी थी इसने एलसीडी के ऊपर लगा दिया गाइस अब मुझे ना दिन रात इस बात का डर लगा रहता है कि इसके पेज ऐसे ढीले हों और एलसीडी पे गिर जाएगी यकीनन कभी कभार ऐसे होगा जितनी इनकी बात में सच्चाई है ना ये चुटकी तो बजा देते हैं आते उते कोई नहीं है इतना अच्छा वेदर है ना बाहर का गाइस ये फिर भी लोग बाहर निकलते नहीं है ये आपकी चुटकी काम कर गई है कैसे आए हो तुम लोग यहाँ हैं जादू है सही है सही है अब अगर आज आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो आपको बोला था कि आप एक दफा वहां पर जाकर देखें तो सही हम वहां बैठे सही है सही है सही है भाई गाइस मैंने आपको कहा था कि इब्राहिम के बालों का रिजल्ट दिखाएंगे अब इब्राहिम के बालों का ना मैंने यानी कि जो इसका था क्या था प्रोसीजर हाँ जी स्टार्ट कर दिया अभी फिलहाल इसके हमने बाल वॉश किए हैं वैसे के वैसे हैं ये देखें आप देखें रिजल्ट के बाद आपको दिखाते हैं ये गाइस एक प्रोसेस तो हो गया इसका उसके बाद इब्राहिम के बाल ऐसे हो गए कोई बात नहीं ये आप इसके जो वो थे ना रोल्स वो ख़त्म हो गए इसके बालों के देखते हैं इसके बाद हाँ जी इसके बाद देखते हैं इसका क्या होता है नजर तो आ गया होगा नजर तो आ रहा होगा गाइस को वो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है हाँ जी हाँ जी नजर आ रहा है ऐसे तो नहीं थे ना नहीं ऐसे तो नहीं थे गाइस परेशान नहीं होना आपने ये इब्राहिम ही है इब्राहिम का बैक साइड है इसके बाल अभी यहाँ से स्ट्रेट हो रहे हैं ना इब्राहिम अपनी शक्ल दिखाना आप तो बिल्कुल हाँ बैक से तो लग ही नहीं रहे ये गाइस ये इस टाइम इसका प्रोसेस हो रहा है आप टाइम देखें एक मिनट मैं जूम करके आपको टाइम दिखाती हूँ ये रात को पूरे 3 का टाइम है और इसको लगा हुआ है चले कोई बात नहीं देखते हैं रिजल्ट क्या आता है इसका ये गाइस का अफ्रीका का जंगल देखें फेस ऊपर करो इब्राहिम सीधा बिल्कुल हाँ जी थोड़ा सा बैक करना और बैक अभी इसका स्टार्ट है प्रोसेस अभी हो रहा है देखते हैं आफ्टर रिजल्ट आपको भी दिखाएंगे क्या देख रहे हैं डरा बैठा अपनी शक्ल देख के डर नहीं रहा ये मैं ही हूँ ये अपनी शक्ल देख के डरा हुआ बच्चा इतने बड़े बाल भी हैं हाय इब्राहिम थक चुके हो आप मुझे अपने घर जाना है अब तो ये भाई प्रोसेस पूरा होगा तो आपको छुट्टी मिलेगी क्यों वो फाइनली छुट्टी देने इससे अच्छा तो मेरे पिछले वाले बाल थे अब ये अब छुट्टी नहीं मिल सकती कम से कम कोई मेहनत पंगा क्यों लिया था पंगा क्यों लिया था मेहनत वाला तो कम से कम कोई काम नहीं जाना जैसे भी थे मेरे तो थे नहीं गाइस अब इतने से तो हो गए बस थोड़े से रह गए इसके गाइस बहुत मेहनत के बाद इसके बालों पे ये रिजल्ट आया है ये देखें अभी वॉश नहीं हुए सही तरह से ये देखें बैक दिखाओ हो ही गए हैं बेचारे को हसरत थी चले कोई मसला नहीं है ओके करो